केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है, सीधा कह रहा है कि मुस्लिम विरोधी है, धर्म के आधार बांटने की कोशिश है। देखो, भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म संभाव की बात करती है और हमने बांटने का नहीं, हमने जोड़ने का काम किया है और किसी भी हालत में हम धर्म के आधार पर काम करने वाले नहीं हैं। धर्माधिष्ठित समाज की रचना हमारे भारत की मूल संस्कृति रही है और जहाँ तक नागरिकता की बात है, जो विदेशी नागरिक हैं उनको पहचाना जाएगा और स्वाभाविक घुसपैठ जो बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ देश में बसे हुए हैं, भारत के लोग नागरिकता को आज हमारे हर चीज़ों पर उनका, हमारे नागरिकों को हर प्रकार का सेकेंड सिटीजनशिप हम लोग माने जाते हैं, फर्स्ट सिटीजनशिप वो हो जाते हैं घुसपैठी। इसलिए घुसपैठियों को निकालना हमारा फर्ज है ताकि यहाँ के लोग आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, यहाँ तक वो कह रही कि वो आएगा तो जिन्ना की जीत, जिन्ना की विचारधारा की। अरे कांग्रेस तो बराबर जिन्ना के विचारधाराओं से ही कांग्रेस का जन्म हुआ है। साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का जन्म जो है जिन्ना की विचारधारा से हुआ है और जो घुसपैठिया है उसको बाहर करने के लिए ये बिल है। मैं दीपक शर्मा के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24।